अस्सलाम नौमी कार्स और फैजान शाह, जैसा कि आप जानते हैं आज हम आपको जापानी गाड़ी वेगनआर का रिव्यू कराने जा रहे हैं जिसका मॉडल है 2012। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये वेगनआर कैसी पसंद आई है या नहीं आई या कैसी लगी आप। तो जी आडिया साहब, इसका इंटीरियर चेक करें गाड़ी का। ये वेगनआर का जैपनीज़ वेगनआर है। इसका जो ये मॉडल हम आपको रिव्यू करा रहे हैं ये 2012 मॉडल है और 2016 की इंपोर्ट है। तो बेसिकली जैपनीज़ एंड पाकिस्तान वेगनआर में क्या फ़र्क है हम आपको बताते हैं। एक तो इसमें पावर विंडो आते हैं, ऑटो लॉक शिफ्टर आते हैं। सब मतलब है कि ऑटो लॉक शिफ्टर का मतलब होता है कि सब गाड़ियों के लॉक जो है ना इधर एक से ही हो जाते हैं। ये चेक करें आप, ठीक है। और इसमें ये ऑटो गियर आ जाता है और इसमें SRS एयरबैग जो है वो इसमें होते हैं सब इसके अंदर। ये चेक करें आप, LCD बैक कैमरा वगैरह। और ये बेसिकली पुश स्टार्ट में आती है। ये चेक करें आप, ये इसका पुश स्टार्ट बटन है। और ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, बस इसमें तीन बंदे आराम सुकून से आगे एडजस्ट हो जाते हैं। और इसकी सीट्स वगैरह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और ये पर्ल वाइट कलर में है और ये फॉर सेल भी हमारे पास ठहरे जिसकी डिमांड तकरीबन 14.5 लाख तक है। AC वगैरह बहुत बेहतरीन होता है इसमें। और ये सोफ़ा सीट्स होती हैं इसकी सारी। बैक से आप चेक करें इसकी, इसमें स्टेपनी वगैरह तो आती नहीं है, इसमें एयर पंप आता है। और ये बहुत अच्छी गाड़ी आई है, हम आपको इसका इंजन रिव्यू कराते हैं। ये 660 CC में होती है।